वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आदर्श सालिमा एंड आज हम सीखेंगे पावर पॉइंट पे स्लाइड डिज़ाइनिंग करना, कुछ सिंपल से स्लाइड्स बिगिनर्स लोग के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहले चलते हैं, एक सिंपल सा स्लाइड ढूंढ लेते हैं। सो आई प्रेफर पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे काफ़ी अच्छे अच्छे नए स्टाइल के डिज़ाइन मिल जाता है। सो लेट्स सर्च फॉर सिंपल स्लाइड्स। ओके, ये भी सिंपल है बट दिस वन ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। इसके साथ इसको एक बार देखते हैं। ओके, आई थिंक इसको हम बना सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। पहले इसको बनाना सीखते हैं और काम करते हैं, इसको बनाना सीखते हैं। ओके ओके, सो लेट्स ओपन पीपीटी। इसको मैंने पेस्ट किया। ओके एंड एक नया स्लाइड ऐड करने के लिए या तो आप यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक कर सकते हैं या तो फिर आप सिंपली कमांड डी प्रेस कर सकते हैं जिससे डुप्लीकेट हो जाएगा, या तो फिर कमांड शिफ्ट एन। ओके, और सिंपली आप इसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। ओके, सो इसको नीचे ले आएंगे तो हमारा पहला स्लाइड जो है वो है आवर मिशन, राइट। सो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तीन रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ किया हुआ, देन आवर मिशन टेक्स्ट, एक लोकेशन का आइकन एंड चार बॉक्सेस एंड उसमें कुछ टेक्स्ट है। ओके, सो पहले इसको हम रिप्लिकेट करते हैं। पहले हम बॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं, देन ओके। अब ये वाला कलर चूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, कलर पिकर के थ्रू हम इसका कलर पिक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये दोनों पे भी सेम कलर दे देते हैं एंड तीनों पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा बॉर्डर है, यू कैन सी दैट राइट, ब्लू कलर का बॉर्डर है, इसको हटा देते हैं। ओके, करेक्ट, राइट साइड पे है। ओके, सो अभी आवर मिशन टेक्स्ट ऐड करने के लिए इंसर्ट, देन टेक्स्ट बॉक्स, आवर मिशन बोल्ड में। सो अभी कैलिवरी टेक्स्ट है तो मैं उसी में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप चाहो तो दूसरा फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ करने के लिए सिंपली क्लिक किया एंड आप कोई भी लेट्स से मोंटसेराट यूज़ करते हैं तो ओके समथिंग लाइक दिस, सी। ओके, आई थिंक ये लाइंस थोड़े और लंबे होंगे, हम थोड़ा इसके लेवल पे ले आते हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे तो उसका टॉप वाला ये वाला पार्ट दिखेगा। ओके,
ओके लेट्स सी फाइन, अगर नीचे ये इतना तो थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं। आई थिंक एक के बाद एक करना सही होगा। ओके ठीक है, सो इसके नीचे कुछ एक लाइन है, करेक्ट। सो मोस्टली आपने देखा होगा डिजाइनर्स लोरेम इप्सम बहुत यूज़ करते हैं। सो लोरेम इप्सम के लिए आप टेक्स्ट जनरेटर भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे वो टेक्स्ट जनरेट करके आपको देगा। सी आप यहाँ पे दिखा बता सकते हो कि कितने वर्ड्स है, कितने पैराग्राफ्स आपको चाहिए, एंड ये जनरेट करके आपको दे देगा। ओके सो आप डायरेक्टली टेक्स्ट को पेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया था, टेक्स्ट साइज थोड़ा छोटा रखेंगे। ओके कुछ इस तरह थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि उसके साथ सेम लगे। ओके एंड अभी फोर बॉक्सेस राइट, चार बॉक्सेस ड्रॉ करने के लिए इंसर्ट, इंसर्ट पे जाके ये रेक्टेंगल। ओके सी एकदम स्क्वायर बनाओ बिकॉज मैंने शिफ्ट प्रेस किया था। अगर मैं शिफ्ट बिना प्रेस किए करूँगा देन वो कुछ भी फ्री फॉर्म हो जाएगा, बट जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ वो स्क्वायर बन जाता है। ओके सो मैं आपको भी बताऊँगा कि आप स्क्वायर बॉक्स ही लें, क्योंकि उसने भी स्क्वायर बॉक्स ही लिया है। ओके एंड इसको सिंपली आप और एक बॉक्स बनाने के लिए इधर आप कॉपी पेस्ट कीजिए या तो फिर ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर दीजिए। ओके वन मोर। ओके अभी यू कैन सी कि ये इसके बाहर जा रहा है जबकि ये अंदर होना चाहिए, दैट मीन्स हमें सारे बॉक्सेस को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लीजिए, ग्रुप करके ही छोटा कीजिए। अगर आप बिना ग्रुप किए छोटा करेंगे तो क्या होगा, वो अपने अपने जगह पे ही वो छोटा होना चालू हो जाएगा। ओके सो अल से राइट क्लिक कीजिए, ग्रुप कर दीजिए, ग्रुप करके ही छोटा कीजिए। थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ओके अब चारों बॉक्सेस का कलर एक ही बार में चेंज हो सकता है क्योंकि आपने ग्रुप करके रखा है अभी। सो नो आउटलाइन। ओके फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक लाइन गया हुआ है राइट, जहाँ पे लोकेशन का आइकन है। सो क्या करेंगे, इसका और एक कॉपी करके और एक डुप्लीकेट बना देंगे एंड उसको उसी के ऊपर ही प्लेस कर देंगे। एंड अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। ओके एंड इसको उसके साथ मैच कर देंगे। अभी क्या करेंगे, अभी इसका कलर जो है इसको थोड़ा सा लाइट रखेंगे। ओके सो डू दिस। ओके ठीक है अब चलते हैं लोकेशन का आइकन लेने के लिए। ओके आई प्रीफर फ्लैट आइकन, फ्लैट आइकन में आपको ढेर सारे आइकन्स मिल जाएंगे। लोकेशन आई थिंक दिस इज गुड, इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके छोटा किया, शिफ्ट प्रेस करके छोटा किया ताकि वो इवनली स्केल हो, या तो फिर अगर शिफ्ट बिना प्रेस किए करेंगे तो उस स्केल सही से नहीं होगा। ओके सो
सो अभी ये ब्लैक में, इसको अभी वाइट करना है, राइट। सो आप पिक्चर फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पे करेक्शन पे जाइए, ओके, पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस, एंड इसका ब्राइटनेस आप बढ़ा दीजिए, ओके, हो गया वाइट। अब इसको पेस्ट कर देंगे और जगह, ओके। अब हमें चाहिए एक टाइटल एंड सम टेक्स्ट, ओके। उसके लिए क्या करेंगे, उसके ओके उसके लिए क्या करेंगे, इसको ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग किया और एक कॉपी बन गया। यहाँ पे हम डाल देंगे लोकेशन वन, लेट्स से लोकेशन वन, ओके, लोकेशन वन। इसको टेक्स्ट को करेंगे सेंटर एंड इसको कर देंगे बोल्ड बाय प्रेसिंग कंट्रोल बी या कमांड बी, ओके। इसको कर देंगे प्लेस एंड कलर कर देंगे वाइट, ओके। अब उसके नीचे एक टेक्स्ट है, राइट, सो इसी को फिर से हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड इसको हम करेंगे सेंटर एंड कलर वाइट। टेक्स्ट साइज को थोड़ा छोटा रखेंगे, आई थिंक 12 इज फाइन और मे बी वी कैन गो फॉर 14, ओके। आई थिंक ये बॉक्स के सेंटर पे नहीं है, सो पहले इसको सिलेक्ट करके देन ओके इसको पहले अनग्रुप करना पड़ेगा, ओके। पहले बॉक्स को देन इसको या वाइस वर्सा, किसी को भी पहले आप सिलेक्ट कर सकते हो, देन गो टू अरेंज अलाइन एंड सेंटर अलाइन, ओके। अभी हो गया, सेम इसके साथ भी करेंगे अलाइन एंड अलाइन टू सेंटर, ओके। अब इसको बाकी जगह भी पेस्ट कर देंगे। सी यहाँ पे फिर से अलाइनमेंट गड़बड़ हो रहा है, सो बेटर हम इसको ग्रुप कर लें एंड ग्रुप करके इसको ट्रैक करके यहाँ पे लेके आए ताकि वो सही तरीके से सेंटर पे बैठे, ओके। चलिए, आई थिंक आवर फर्स्ट लाइट इज रेडी, यस इट इज रेडी। आई थिंक इसका मिड लाइन जो है वो काफ़ी छोटा है, हमने थोड़ा बड़ा रखा है, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड स्लाइड पे, सेकंड स्लाइड के लिए, ओके। सेकंड स्लाइड के लिए फिर से न्यू स्लाइड, इसको हटा देंगे, ओके। सेकंड स्लाइड पे क्या है, टाइटल सेम प्लेस में है, ओके। अभी इसमें वो बार्स नहीं है, दो इमेजेस हैं, दो आइकन हैं, टाइटल एंड सम टेक्स्ट, ओके। सो हम क्या करेंगे, सेम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ओके। दिस इज़ आवर टाइम लाइन, तो यहाँ पे रख देंगे आवर टाइम लाइन, ओके। एंड ये टेक्स्ट तो ऑलरेडी है हमारे पास, सो मैं टेक्स्ट पे और कुछ नहीं कर रहा हूँ। दो बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे एंड आइकन एंड सम टेक्स्ट, ओके। सो दो बॉक्स बनाने के लिए फिर से जाएंगे इंसर्ट पे, क्रिएट करेंगे टू बॉक्सेस, ओके। लेट्स सी द प्लेसमेंट, एक इसके साथ अलाइंड है एंड एक इसके टॉप के साथ अलाइंड है, ओके। सो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे, अरेंज पे जाके अलाइन लेफ्ट अलाइन एंड इसके साथ, ओके। लेट्स सी, करेक्ट, कुछ ऐसे ही। आई थिंक बॉक्स का साइज थोड़ा और छोटा होगा, मे बी
10 मिस। ओके, इसका साइज कितना अभी देख लेते हैं, 7.44 सेंटीमीटर। इसके लिए भी 7.44 सेंटीमीटर कर देते हैं। फाइन, इस पर क्लिक करने पे दोनों इक्वली छोटा होगा, या तो फिर यहाँ पे बस हाइट कम होगा या तो फिर यहाँ पे विड्थ कम होगा। ओके, ठीक, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। ओके ओके, यहाँ पे दो बॉक्सेस हैं, दो एरो मार्क हैं एंड आई गेस ये कुछ ईयर दिया गया है। सो लेट्स क्रिएट द सेम। इसको फिर से मैं एक कॉपी बनाया, छोटा सा बॉक्स। ओके, ओके, अब सबको कर देते हैं ग्रीन एंड इसका आउटलाइन हटा देते हैं। ओके, देन ईयर्स। ओके, इसमें इसको कर देंगे हाईलाइट। यहाँ पे हमने जो कलर ऐड किया था वो ऐड हो गया है, इस पर हम सेम कलर डाल देंगे। ओके, अब जब भी सेम सेम चीज़ अप्लाई करना चाहते हो तो आप कंट्रोल वाई भी प्रेस कर सकते हो, अगर मैक में हो तो कमांड वाई। ओके, देन नीचे कुछ 3 लाइन का और यहाँ पे एक 4 लाइन का पैराग्राफ है। सो चलते हैं लोरम इप्सम जनरेट करने के लिए और यहाँ पे हम एक बार बैक जाके पैराग्राफ पे सिलेक्ट करके कुछ 4 लाइन का बना लेते हैं। ओके, सी हमें काफ़ी बड़ा पैराग्राफ मिल गया, वैसे आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। ओके, पेस्ट कर लेते हैं। इसका साइज रखेंगे 14। ओके, आई थिंक ये भी काफ़ी ज़्यादा है, इतना हटा देते हैं। फाइन, आई थिंक यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है हमारे पास, सो इसको थोड़ा पीछे लेके आ सकते हैं। ओके, अब बस दो आइकन दो इमेज लगाना होगा। लेट्स सी हमें वैसा सर्कल के अंदर एरो मार्क वाला आइकन मिलता है या नहीं। ऑलमोस्ट आसपास, सी दिस इज आल्सो गुड। ओके, लेट्स डू वन थिंग, इसी को ले लेते हैं। ओके, कॉपी पेस्ट। फाइन, अभी इसको राइट क्लिक करके भी आप फॉर्मेट पिक्चर पे जाके कर सकते हैं आप। ओके, ब्राइटनेस बढ़ा के कर दिया उसको, सेम उसको फिर से ऑल्ट प्रेस करके और डुप्लीकेट लिया एंड यहाँ पे भी ऐड कर दिया। ओके, अभी दो इमेज ऐड करेंगे। सो इमेज ऐड करने के लिए, जैसे यहाँ पे एक मोबाइल, यहाँ पे एक टैबलेट का उन्होंने यूज़ किया है, इमेज ऐड करना है। सो इमेजेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम चलते हैं प्रीपिक में,
फ्री पिक में वैसे कुछ इमेजेस प्रीमियम रहते हैं तो कुछ फ्री रहता है, सो हम उठाएंगे फ्री वाला। आप चाहो तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। वैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं फोटोज, देन मोबाइल। ओके, यू कैन सी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फोटोज़ हैं। ये वाले सारे प्रीमियम हैं, हमें देखना है फ्री वाले। ओके, सो यहाँ पे आप फिल्टर आउट भी कर सकते हो फ्री। ओके, सो आई थिंक ये सही रहेगा। ओके, इसको आप सिंपली कॉपी इमेज कर लीजिए। ओके, यहाँ पे आके पेस्ट। ओके, तो अभी हम इमेज को करेंगे क्रॉप। ओके, पहले ये क्या करते हैं, इमेज को इसके अंदर ले आते हैं। ओके, अब इमेज को इसके पीछे भेज देंगे। ओके, आपने वैसे सब्सट्रैक्ट, इंटरसेक्ट ये सब पढ़ा होगा, तो उसी को यहाँ पे हम यूज़ करके ये स्क्वायर के साइज में उसको कट करेंगे। ओके, सो पहले इमेज को सिलेक्ट कीजिए, देन बॉक्स, देन गो टू सेव फॉर्मेट। यहाँ पे जाके आप इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ओके, सी काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया। वैसे ही एक टैबलेट का भी इमेज ले आते हैं, लेट्स सर्च फॉर आईपैड। आई थिंक ये सही है। कॉपी। ओके, पेस्ट। सेम इसके साथ भी करेंगे। इसको भी पीछे ले लेंगे। तो मैं मोस्टली शॉर्टकट्स यूज़ करके कर लेता हूँ। मैक में अगर आप हो तो कमांड शिफ्ट बी पे बैक एंड कमांड शिफ्ट एफ पे फ्रंट पे आ जाता है। ओके, सेम अभी फिर से इमेज को पहले सिलेक्ट, देन बॉक्स, देन इंटरसेक्ट। ओके, हो गए अच्छे तरीके से। सी दिस, अभी यहाँ पे एक ग्रीन कलर का बॉर्डर है, राइट, उसको ले आएंगे। पिक्चर फॉर्मेट, ये है बॉर्डर देने के लिए। ओके, सेम ग्रीन कलर चूज़ करते हैं, एंड अभी भी वो है बट काफ़ी थिन है, इसको ये थोड़ा थिक बॉर्डर देंगे इसको, ताकि विजिबल हो। सो थिक बॉर्डर के लिए वेट बढ़ाना पड़ेगा, आई थिंक अराउंड 3। सी, एंड अभी सेम इफेक्ट इस पर भी लेके आने के लिए आप सिंपली कमांड वाई या तो फिर कंट्रोल वाई प्रेस कर सकते हैं। ओके, पर यहाँ पे ब्लैक आ गया। ओके, लेट्स मेक इट ग्रीन। ओके, फाइन, ठीक है। आई थिंक वो लास्ट वाला जो ये था बॉर्डर साइज, बॉर्डर वेट 3 करने के लिए, वही कॉपी हुआ बट कलर कॉपी नहीं कर पाया, बस एक ही एक्शन कॉपी कर पाया था ये। ओके, सो वी आर गुड। अब चलते हैं थर्ड स्लाइड की तरफ, आवर टाइम लाइन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से सेम बॉक्सेस हैं, ईयर्स हैं, एरो मार्क इस बार नहीं है, एंड सम टेक्स्ट, एंड वो रेक्टेंगल्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे अभी आ गए। ओके, तो वो बार्स बेसिकली, एंड ये टेक्स्ट जो है वो नीचे आ गया। सो हम भी सेम तरीके से, मैंने बेसिकली इसका एक डुप्लीकेट ले लिया, कंट्रोल डी या कमांड डी प्रेस करके आप ले सकते हो। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं, नहीं ये हमें चाहिए होगा, राइट, सो लेट्स रिमूव दिस। ओके, इसको ऐसे ही रखते हैं, आई थिंक वैसे ही था, करेक्ट। इसको भी आप
ऐसे ही रख लो, दोनों आप एक साइड पे लेके रख सकते हो कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। मैं अभी एरो मार्क एरो की यूज़ करके उसको ऊपर किया, इसको ले आएंगे थोड़ा नीचे, राइट। शिफ्ट प्रेस करके नीचे लेके आना, बिकॉज जब शिफ्ट प्रेस करके नीचे लेके आता है तो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता है। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते हो तो फिर चांसेस है वो इधर से उधर हो सके। ओके, शिफ्ट जैसे ही प्रेस करते हैं वो सेम लाइन पे नीचे आता है। ओके, एंड अभी ये तीनों बार को ले आएंगे यहाँ पे, ठीक है। सी फाइन, ठीक है। आई थिंक आज के लिए ये तीन स्लाइड। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको कई सारी चीज़ें सीखने के लिए मिला होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना, आगे ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और साथ में सीखेंगे।